लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कल रात भर मैं सोचती रही, एक बजे तक सोचा कि तुमसे प्यार क्यों करूं, दो बजे लगा कि हर्जी क्या है, तीन बजे लगा कि थोड़ी जल्दी तो नहीं हो जाएगी यार, चार बजे लगा कि अब नहीं तो कब करूंगी, पांच बजते बजते मैं तय कर चुकी थी करते हैं ना यार। I love you. मैं उसे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। लेकिन तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। क्या? और मेरे पिताजी की हैसियत के बारे में पता चलेगा ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अरे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो तो ये बोल रही है। जानते हो मेरे पिताजी के पास 1992 में 3 अम्बेसडर कार्स थी। अच्छा? हाँ, शेट्टी ट्रेवल्स के नाम से एक ट्रेवल एजेंसी थी। शेट्टी ट्रेवल्स? शेट्टी ट्रेवल्स। लेकिन मेरे मामा ने उन्हें धोखा दिया। ओह। तीनों कार्स हड़प ली। मेरे पिताजी भी इस गम में चल बसे। उस दिन मैंने कसम खाई, जब तक मैं 3 अम्बेसडर कार्स नहीं खरीद लेती तब तक शादी नहीं करूंगी। तीन? एक आध कम नहीं हो सकती? हर किस नहीं, तब तक इंतजार कर सकते हो तो करो, वरना अपनी हैसियत की किसी लड़की से शादी कर लो। नहीं, रुकता हूँ। घबराओ मत, जब मैं अमीर बन जाऊंगी ना तभी तुम्हारे साथ वैसे ही रहूंगी जैसे कि अब हूँ। ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस बाबा। Good morning, sir. Morning. A very happy new year to you. Thank you. Mr. Goenka is cancelled for the day. Mm-hmm. The board meeting is now at 11:30. The marketing presentation has been shifted to post-lunch. Sir, क्या कहा मैम ने आपके बारे में जान के? मैंने उसे बताया नहीं। क्यों सर? क्योंकि 1992 में उसके पिताजी के पास 3 एम्बेसडर कार थी जो उसके चाचा या मामा ने धोखे से हड़प ली। अब उसकी अपने चाचा से ज्यादा अमीर बनने की इच्छा है, तब तक शादी नहीं करेगी। लेकिन सर अगर आप उसे बता देते तो? तो उसकी मुझसे ज्यादा अमीर बनने की इच्छा हो जाती, फिर तो हो चुकी शादी। दरअसल सच तो यह है कि मुझे उससे इस तरह ही मिलना पसंद है। ये फ्लैट मैंने उसके लिए खरीदा था, सोचा था अपनी असलियत बताने के बाद उसे गिफ्ट करूंगा, तो वो तो हो नहीं सका। अब इसे किसी तरह उसके हवाले करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। हो जाएगा सर। थैंक यू। बुरी नजर से दूर रहे, पेट्रोल हमेशा फुल रहे। चुप रहो, सबको मिलेगा। हाँ? मुझे भी। अरे क्या यार, आज भी लेट। अरे खरीद ली? यस, सरप्राइज, पहली तो आ गई, दो और बाकी है। वाह क्या बात है। मैंने अपनी शादी के लिए ज्वेलरी इकट्ठा की थी, अब तुम मेरे होने वाले पति हो तो तुम्हें देने की क्या जरूरत है, इसलिए गाड़ी खरीद ली। चलती भी है? मजाक उड़ा रहे हो, चला के देखो। चलो बच्चों। स्मूथ चल रही है ना? हाँ, रोड अच्छी। मस्का है मस्का। अरे रेडियो चला ना, रेडियो है, रेडियो चलता।
गुड न्यूज सर, लंदन से फैक्स आ गया है, वी गॉट द लाइसेंस। अब इंडिया से यूके जाने वाली सारी कॉल्स हमारे थ्रू जाएंगी। दैट्स वंडरफुल, सारे स्टाफ को गुड न्यूज दे दो। ठीक है, आपको इमीडिएट लंदन जाना होगा सर। या हाय, कैसी हो? हाय, एक गुड न्यूज है। कमाल है, जो भी मैं कहना चाहता हूँ वही बात मुझसे पहले वो कह देती है। मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। नहीं नहीं, पहले मैं। ठीक है, बोलो। एयर वॉइस लकी कॉन्टेस्ट में मुझे एक नया फ्लैट मिला है। एयर वॉइस लकी कॉन्टेस्ट? आप वो फ्लैट लेना चाहते थे ना, तो मैंने एक कॉन्टेस्ट के जरिए दिलवा दिया। वाओ, दैट्स ग्रेट यार, कांग्रेचुलेशंस। सिर्फ कांग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा, 5 मिनट में यहां पहुंच जाओ। कल्पना, इस वक्त मैं बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता। दो जूते खाओगे, कलेक्टर बन गए हो क्या? एड्रेस दे रही हूं फॉर नाउ। ठीक है। Hi. Hi. Congratulations. Thank you. एक सेकंड। ये क्या? तुम्हारा पहला कदम है ना इस घर में, इसे मैं हमेशा हमेशा के लिए कैद करना चाहती हूँ। तुम भी हो? और इस घर में हमारे पहले कदम की याद दिलाएगा। तो कैसा है घर? बहुत बढ़िया। क्या कल्पना, नया घर, सेकंड हैंड गाड़ी, तुम्हारी तो निकल पड़ी है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। हाँ, तुम फोन पे कुछ कह रहे थे ना? हाँ, वो कुछ 10 दिन के लिए मुझे शहर से बाहर जाना पड़ेगा। कहाँ? वो मेरे गांव। क्यों अचानक? वो माँ बीमार है। ओ, तो उन्हें यहाँ ले आओ ना। नहीं, गांव जाना ज़रूरी है, वहाँ हमारी ख़ानदानी ज़मीन है 2 एकड़ मेरे नाम, उसे बेचनी है, माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए। 10 दिन? देखो, हो सके तो जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, आ जाओगे ना? क्या बात है, क्यों घबरा रही? नहीं, पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। हे, क्या तुम भी? हेलो। हेलो सचिन, कल्पना। हाँ बोलो कल्पना। मुझे तुमसे अभी मिलना है, मेरे पुराने घर के पास आ जाओ ना। अभी 1 बज रहे हैं कल्पना, बोलो ना क्या बात है। नहीं, कल तुम गांव चले जाओगे, उससे पहले मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज। ठीक है, मैं आता हूँ। यहाँ नीचे क्यों खड़ी हो? ऐसे तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो क्यों बुलाया मुझे? ये क्या है? इसमें 1,35,000 है, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। इतने पैसे कहाँ से है?
अपनी कार बेच दी। क्या, क्यों? तुमने कहा था ना तुम जमीन बेचने जा रहे हो, मत बेचो, वो तुम्हारे खानदान की निशानी है। कार फिर ले लेंगे। लेकिन तुमने इतने दिल से ली थी। अब छोड़ो ये सब, अपनी माँ को वो हमाम साबुन वाला ऐड दिखाना, उसमें वो बहुत अच्छी दिख रही। जल्दी आ जाना। हाँ और हाँ, मैं भी अगले हफ्ते एक ऐड शूट के लिए गोवा जा रही हूँ, 2-3 दिन में लौट आऊंगी। अच्छा तुम्हें देर हो रही है, अब तुम जाओ।